नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को माघ मेला क्षेत्र के अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान अलोपी बाग में 9 दिवसीय विराट किसान मेले का बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया। विराट किसान मेला में कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, खाद प्रसंस्करण, कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी सहित लगभग 80 विभागों संस्थाओं द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया है। इन स्टॉलों का अवलोकन माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा किया गया। जनपद में 2 किसान कल्याण केंद्र मासिका विकासखंड करछना एवं छाता विकासखंड बहरिया का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विराट किसान मेले में लगाई गई प्रदर्शनी को किसान अवश्य देखें और जो विधि अच्छी लगे उसको अपनाएं, इससे उनको लाभ होगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा किसानों की आय दोगुना करना है। इसको दृष्टिगत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद प्रयागराज में 532 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि किसानों का ऋण माफ किया गया है। जनपद में 32 FPO का गठन किया गया है, जिसमें 2 FPO को 20 विधायन संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान की किस्तें दी जा रही हैं। 1 FPO को 60 लाख रुपए का अनुदान शासन द्वारा दिया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में 26 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराई गई है। इसके अतिरिक्त 3 ग्राम पंचायतों में भी 3 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना का कार्य किया गया है। इस विराट किसान मेले में अतिथि के रूप में श्री अश्विनी कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष गंगापार, श्री गणेश केसरवानी महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज एवं श्री बजरंगी सिंह अध्यक्ष अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान अलोपी बाग प्रयागराज आदि उपस्थित रहे। किसानों को सरकार की उपलब्धियों एवं जैविक खेती के लिए संचालित कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य, संयुक्त कृषि निदेशक प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा विराट किसान मेला की रूपरेखा तथा मंडल में कृषि विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विनोद कुमार, उप कृषि निदेशक प्रयागराज द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई और कहा कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विराट किसान मेला में कृषि विभाग के साथ साथ अन्य सभी सहयोगी विभागों के मंडल, जनपद स्तरीय अधिकारी तथा हजारों की संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रयागराज सिटी क्राइम रिपोर्टर कृष्ण प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट।